वेलकम टू माय चैनल ईएफबी इंग्लिश फ्रॉम बिगिनिंग। फ्रेंड्स, आज हम देखने जा रहे हैं क्या नरेशन की सीरीज का अगला पार्ट, जहां पर हमें ये समझना है कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर यानी रिपोर्टेड स्पीच में संबोधन के पद आ जाए तो उसे हमें इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलना होगा। लेकिन फ्रेंड्स, पहले आपको ये समझना होगा कि आखिर ये संबोधन के पद क्या होते हैं। संबोधन के पद का मतलब होता है क्या, टर्म्स ऑफ एड्रेस। हिंदी में इसको क्या बोला गया, संबोधन के पद। फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है कि हम अपनी बात को रखने के पहले यानी अपनी बात को कहने के पहले हमारे सामने जो लोग होते हैं ना, उनको संबोधित करने के लिए कुछ शब्द यूज करते हैं, जैसे फ्रेंड्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, इडियट्स, ऐसे कुछ शब्द होते हैं जिनका यूज संबोधन करने के लिए किया जाता है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं क्या कि अगर हमारे रिपोर्टेड स्पीच में संबोधन के पद आ जाए तो हमें उसे इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलना होगा। अब फ्रेंड्स, कुछ एग्जांपल लेकर वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और इस लेसन को समझने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हो मैंने आपके सामने एक एग्जांपल लिखा है, और एग्जांपल क्या है, मिस्टर मोदी सेड टू द पीपल, फ्रेंड्स आई थैंक यू ऑल। तो आपने ध्यान दिया क्या कि मोदी जी जब लोगों से बात कर रहे थे तो लोगों को संबोधित करने के लिए उन्होंने एक शब्द का यूज किया, और वो शब्द क्या था फ्रेंड्स, ये जो फ्रेंड शब्द था ना, यही हमारा क्या कहलाएगा, संबोधन का पद कहलाएगा। अब ऐसी कंडीशन आने पर इसे अगर हमें इनडायरेक्ट करना होगा तो इसको इनडायरेक्ट करने के दो तरीके होंगे, दोनों ही तरीके ठीक होंगे, आप दोनों में से किसी एक का यूज करके इससे आप इनडायरेक्ट कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, आपको दोनों ही तरीके आने चाहिए तभी जाके काम बनने वाला है। तो पहला तरीका क्या है सुनिएगा, मिस्टर मोदी एड्रेस्ड द पीपल एज फ्रेंड्स एंड सेड दैट ही थैंक्ड देम ऑल। तो पहला काम मैंने क्या किया है, रिपोर्टिंग सब्जेक्ट को कॉपी किया है, इसके बाद मैंने क्या लिखा है एड्रेस, फिर क्या लिखा मैंने यहाँ पर रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट को कॉपी किया, एज लिखा है, एज के बाद मैंने जो भी संबोधन के लिए यूज किया गया था उस शब्द को कॉपी किया, फिर मैंने सैड लिखा और इन्वर्टेड कॉमा को तोड़ने के लिए मैंने क्या लिखा यहाँ पर दैट का यूज किया है, इसके ठीक बाद मैंने क्या लिखा यहाँ पर ही, और जो ही था वो किसके लिए यूज किया गया, मोदी जी के लिए, फिर मैंने क्या लिखा है थैंक लिखा है, जो कि वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी, सेकंड फॉर्म। ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि अगर रिपोर्टिंग स्पीच हमारी पास्ट में हो और रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट हो तो उसे हमें पास्ट इंडेफिनिट में बदलना होगा। तो हमारा पूरा सेंटेंस क्या बना देखिएगा, मिस्टर मोदी एड्रेस द पीपल एज फ्रेंड्स एंड सेड दैट ही थैंक देम ऑल। तो एक तरीका तो ये हो गया, और दूसरा तरीका क्या होगा, एड्रेसिंग द पीपल एज फ्रेंड्स, मिस्टर मोदी सेड दैट ही थैंक देम ऑल। और दोनों ही तरीके ठीक हैं, दोनों में से आप किसी भी एक का यूज कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, आप देख सकते हो मैंने आपके सामने एक दूसरा एग्जाम्पल लिखा है, और एग्जाम्पल क्या लिखा मैंने, द लीडर सेड टू द पीपल, लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर माई होप। इसको भी बनाने के दो तरीके होंगे। तो पहला तरीका क्या होगा, द लीडर एड्रेस द पीपल एज लेडीज एंड जेंटलमैन एंड सेड दैट दे वर हिज होप। अगर मैं इसको दूसरे तरीके से बोलूंगा तो मैं क्या बोलूंगा, एड्रेसिंग द पीपल एज लेडीज एंड जेंटलमैन, द लीडर सेड दैट दे वर हिज होप। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि आपको ये लेसन अच्छा लगा होगा और आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, सी नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।